तो कहाँ थे आप? आइए इस वीडियो में वॉल मैनिपुलेशन एडिटिंग देखते हैं और देखेंगे कैसे हम लोग क्रॉस वॉल पे अपनी पिक्चर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे नए मेहमान है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे पिक्सार्ट में, यहाँ से अपने बैकग्राउंड्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल बैकग्राउंड, ठीक है, इसका मैंने क्लोन किया, इसको मॉडिफाई किया, इसमें थोड़ा मुझे टाइम लग गया। तो मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा बैकग्राउंड वो फाइनल बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है। जैसे देखिए चेयर कितना परफेक्ट रिमूव किया गया, ठीक है, मैं पूरा वॉल क्रिएट किया हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं करना तो मैं सभी के लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे ऐड फोटो पे हम लोग, और अपने जो पिक्चर उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो पिक्चर लेंगे, एक का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है, एक और पिक्चर हम लोग लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग दोनों वॉल पे एडजस्ट कर लेंगे, तो इसको हम लोग फुल कर लेते हैं साइज को। उसके बाद यहाँ से जो ब्लेंड मोड देख रहे हैं इस पे आ जाएंगे हम लोग, इसको कर देंगे ओवरले, ठीक है। ओवरले करने के बाद ऑपोसिटी आ जाएंगे, इसको कम कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में एज दिख रहा है हम लोगों को, है ना, तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इरेज पे जाएंगे और नीचे से इरेज कर देंगे उसको, ठीक है। और टेबल के ऊपर में जो आ गया हुआ उसको भी हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। इस वॉल पे जो आपको पिक्चर रखना है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम लोग जूम करके एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट पूरा वॉल पे आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको पहले मैंने मॉडिफाई कर दिया, इसको पर्सपेक्टिव बना दिया, ठीक है। यहाँ से सेम आपको आ जाना है, ओवरले पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद इरेज पे आके ये जो दिख रहा है उसको रिमूव कर देंगे। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं पर्सपेक्टिव, जैसे अगर क्रॉस वॉल है तो उस पर हम अपने पिक्चर को कैसे डालेंगे। सीधा तो पिक्चर डाल नहीं सकते, तो उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसको कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को आता है पहले से। यहाँ से ऊपर से डन कर देते हैं। अब देखिए फेस दिख नहीं रहा था, हम लोग यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर से हम लोग उसी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग का ये पिक्चर है इसको ऐड कर लेते हैं, इसका भी साइज एकदम पूरा परफेक्ट उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ इरेज पे आ जाएंगे, ठीक है, इरेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्किन का जो होगा उसको हम लोग मार्क कर देंगे, मतलब उसको हम लोग गेन कर लेंगे, ठीक है। तो फेस है, हैंड पे हम लोग इसको कर लेते हैं। हो गया, हम यहाँ से उसको डन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑपासिटी कम कर देंगे हम लोग, जिससे वो लाइनिंग जो वॉल की लाइनिंग है वो हम लोग को दिखने लगे, ठीक है। तो ये देखिए हो चुका है, तो हम लोग का बैकग्राउंड तो ये तो पिक्चर ऐड हो चुका है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं पहले, फिर चलेंगे हम लोग अपना फाइनल पिक्चर ऐड करेंगे। तो ओके कर लेते हैं, फिर से चलते हैं ऐड फोटो पे हम लोग। उसके बाद हम लोग अपने जो ओरिजिनल पिक्चर है वो हम लोग जो फ्रंट में रखना है उसको ऐड कर लेते हैं। तो इसका भी मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। बैकग्राउंड के रिमूव की वीडियो देखनी है आपको तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिएगा, ठीक। ठीक है, यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पोजीशन भी सही है, चलिए सब कुछ सही है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसका सबसे पहले शैडो बनाएंगे, ठीक है, ऊपर से डन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे टूल्स में, उसके बाद चलेंगे एडजस्ट में, ठीक है। तो टूल्स में आ जाते हैं, एडजस्ट पे आते हैं, यहाँ से हम लोग इसका ब्राइटनेस को कम कर देंगे, कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इरेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इन्वर्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऑपासिटी और हार्डनेस को एडजस्ट करके हम लोग शैडो बना लेंगे। तो यहाँ पे वीडियो फास्ट कर देते हैं क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बना दी है कि ऑपासिटी हार्डनेस को कैसे यूज करते हैं और कैसे परफेक्ट बैकग्राउंड जो शैडो होता है उसको कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम लोग का शैडो बन चुका है, ठीक है। हम लोग बस डन करते हैं, फिर आफ्टर बिफोर दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे आफ्टर बिफोर तो कितना परफेक्ट लग रहा है। तो अपासिटी और हार्डनेस का यूज करके परफेक्ट शैडो बना सकते हैं आप, ठीक है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से हम लोग टूल्स में चलते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एडजस्ट में और ओवरऑल हम लोग लाइट और कलर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्राइटनेस को बढ़ाइए, किसी भी अमाउंट को आप बढ़ाइए, फिर कम कीजिए, देखिए जो आपको परफेक्ट लग रहा है तो उसको आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो क्लियरिटी में सब हम लोग टच कर लेते हैं, सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, हुई के अमाउंट को हम लोग हल्का सा चेंज करते हैं क्योंकि पहले से रेड इफेक्ट ज्यादा लग रहा था, येलो इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग टेम्परेचर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पिक्चर में ब्लू इफेक्ट नहीं डालना है और हम लोग का सनलाइट का कलर पहले ही से है येलो कलर, ठीक है, हो गया है। फिर से हम लोग चलेंगे टूल्स में, अब हम लोग चलेंगे नीचे से एडजस्ट करेंगे, तो हम नीचे से हल्का सा डार्क कर देंगे और कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कम कर लेते हैं, इरेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से हार्डनेस को कम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका साइज को बड़ा करेंगे, सिर्फ हम नीचे से ग्रेडियंट इफेक्ट बनाएंगे, फेडिंग वाला जो इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऊपर डन कर देते हैं,
यहाँ से हम लोग इसको ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा है डार्क, ठीक है, उसको कॉन्ट्रास्ट को कम कर लेंगे पूरा, ठीक है, यहाँ से हम लोग कम कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, यहाँ से हम इसके अमाउंट को नीचे कर देते हैं, ब्लू इफेक्ट मिल जाता है नीचे कम करने से, ठीक है, तो सही नहीं लग रहा था, वही से हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कलर सही लग रहा है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए सेचुरेशन को भी फुल कर देते हैं, तो हम लोग की पिक्चर एडिट हो चुकी है, होप आपको जो पिक्चर पसंद आएगी, पिक्चर पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, डन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं आपको वो दिखाते हैं जो वॉल पे जो इस साइड में बनाए उसको कैसे बनाते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो अगर आपको वो ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे पिक्सल लैब में, ठीक है, तो पिक्सल लैब में आते हैं, उसके यहाँ से हम लोग अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, तो स्क्वायर पे आएंगे, फ्रॉम गैलरी से जो आपको बैकग्राउंड था वो वाला उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, जैसे ओके कर लेते हैं, जैसे जो टेक्स्ट है उसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ ऊपर ऐड पे क्लिक करेंगे प्लस पे, उसको यहाँ फ्रॉम गैलरी से हम वो जो पिक्चर आपको जो इस वॉल पे इस साइड के वॉल पे डालना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड इरेज भी कर सकते हैं या फुल भी पिक्चर रख सकते हैं, इस पर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसका तो पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ हेक्सागोन पे आ जाएंगे, ठीक है। हेक्सागोन पे आने के बाद ऊपर चलिएगा, नीचे कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पर्सपेक्टिव का, ये देखिए, ठीक है। इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद जो हम लोग का पिक्चर का जो कॉर्नर होगा वो वॉल के कॉर्नर सभी कॉर्नर से मैच कर देना है आपको, ठीक है। जैसे मैं आप कर रहा हूँ देखिए आप, ठीक है। तो ये पिक्सआर्ट में ये ऑप्शन मिला ही नहीं है, है ही नहीं पर्सपेक्टिव का, नहीं तो वहां से हम लोग कर लेते, इसलिए हम लोग आके यहाँ से हम लोग करना पड़ता है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ओके कर लेंगे, फिर से यहाँ पे स्क्वायर पे आ जाएंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।